सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं BSc के लिए जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए BSc 6 सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे जो कि आपका सेल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 7 होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की थी, तो अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सभी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोज जो है पहले की, वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और आप सभी को ये सारे जो वीडियोस से रिलेटेड नोट्स हैं, इससे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सभी कमेंट करके बोल सकते हैं, आप सभी को नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा आज का टॉपिक? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, कैसा सेल ऑर्गेनेल है ये। द टर्म क्लोरोप्लास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स क्लोरोस मीनिंग ग्रीन एंड प्लास्ट मीनिंग द वन हु फॉर्म्स। यानी कि जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है यह ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, जिसमें कि क्लोरोस का क्या मतलब होता है, ग्रीन, एंड प्लास्ट मीनिंग द वन हु फॉर्म्स। प्लास्ट का क्या मतलब होता है, ऐसा पार्ट जो कि बनाता है ग्रीन। क्लोरोस मतलब ग्रीन और प्लास्ट मतलब क्या होता है, वन हु फॉर्म्स। क्लोरोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड दैट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन अ लिक्विड मैट्रिक्स एंड क्लोरोफिल। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह एक मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड होता है दैट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन अ लिक्विड मैट्रिक्स एंड क्लोरोफिल, जो कि एक नेटवर्क का फॉर्म, जिसमें कि एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है किसके बीच, मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन लिक्विड मैट्रिक्स एंड क्लोरोफिल। लिक्विड मैट्रिक्स में एक जो मेम्ब्रेन एम्बेडेड होती है उसके बीच और क्लोरोफिल के बीच में एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड इन मीसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स के मीसोफिल टिश्यू में प्रेजेंट, मीसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम स्फेरॉइड, फिलामेंटस, डिस्कॉइड एंड ओवियॉइड। इसकी रेंज क्या होती है, यह स्फेरॉइड भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, डिस्कॉइड एंड ओवियॉइड भी हो सकता है। अ क्लोरोप्लास्ट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फॉलोइंग पार्ट से कंप्राइज होता है, बना हुआ होता है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन। इट इज अ सेमी पोरस मेम्ब्रेन विथ परमेबिलिटी टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है यह सेमी पोरस मेम्ब्रेन होता है, यानी कि इसमें पोर प्रेजेंट होते हैं विथ परमीएबिलिटी टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए परमीएबल होता है। और सेकेंड क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इट इज़ अ थिन एरिया। यह एक थिन एरिया होता है, कितना, अबाउट 10 to 20 nanometer। यह 10 to 20 nanometer का थिन एरिया होता है बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके बीच आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो थिन एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम आगे बात करेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन की। इट फॉर्म्स अ बाउंड्री टू द स्ट्रोमा। यह स्ट्रोमा तक एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। रेगुलेट्स द पासेस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ मटेरियल्स इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि इन मटेरियल्स के इनकमिंग एंड आउटगोइंग के पासिस को रेगुलेट करता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो मटेरियल्स की इनकमिंग एंड आउटगोइंग की जो प्रोसेस होती है उसको ये रेगुलेट करता है, कौन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम स्ट्रोमा के बारे में बात करेंगे। इट इज़ एन एल्कलाइन एक्वस प्रोटीन रिच फ्रूट दैट इज फाउंड विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो स्ट्रोमा है वो क्या है, एक फ्लूड है, लिक्विड स्ट्रक्चर है। वो कैसा होता है, एल्कलाइन एक्वस एंड प्रोटीन रिच फ्लूड होता है जो स्ट्रोमा होता है, दैट इज फाउंड विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पाया जाता है, या क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे थैलेकॉइड सिस्टम की। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स। यह मेम्ब्रेनस सैक्स का एक ग्रुप होता है कॉल्ड थैलेकॉइड्स, जिसे थैलेकॉइड्स कहते हैं, एंड इज फाउंड सस्पेंडेड इन स्ट्रोमा। यह जो कि स्ट्रोमा में सस्पेंडेड होता है। थैलेकॉइड्स हैव क्लोरोफिल
क्लोरोफिल एंड आर द साइट फॉर फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शंस। जो थैलेकोइड्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यह फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शंस की ये साइट होते हैं जो थैलेकोइड सिस्टम होता है। पेरिफेरल रेटिकुलम के बारे में हम जानेंगे। इट इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। यह मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का सेट होता है फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ सम प्लांट्स, जो कि कुछ प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सम वेसिकल बड्स गैदर टू फॉर्म द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल रेटिकुलम। और जो पेरिफेरल रेटिकुलम का ट्यूब्यूल्स होता है वो किससे बना होता है? सम वेसिकल बड्स, कुछ वेसिकल बड्स जो है वो इकट्ठे होकर पेरिफेरल रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। सो आई होप आप सभी को क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में। क्या क्या फंक्शंस है क्लोरोप्लास्ट के? क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको बायोलॉजिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सेकंड क्या है? इट जनरेट्स एटीपी बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है या फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस द्वारा एटीपी जनरेट करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इट कन्वर्ट्स पीजीए इनटू वेरियस सुगर्स एंड स्टोर्स एज स्टार्च। पीजीए क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को वेरियस सुगर्स में कन्वर्ट करता है और उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इट मैन्युफैक्चर्स फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करता है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। इट कंटेन्स थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन ऑन विच लाइट रिएक्शन ऑकर। और यह थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन को कंटेन करता है जहाँ पर की लाइट रिएक्शंस होती हैं। जो लाइट रिएक्शंस होती हैं वो थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन पर ही होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक्स।